हाँ जी भाई, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद युवा कबड्डी सीरीज वापस आ चुकी है। तो कबड्डी वापस आई है तो कबड्डी में विनिंग भी आपका भाई आपको वापस ला के देगा। आज की इस वीडियो में भाई मैं बात करने वाला हूँ, जो वुमेन्स एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा, जो हर सीजन के स्टार्टिंग में एक मैच होता है, वो मैच भाई मतलब ट्रेडिशनल मैच आप बोल सकते हो, वो खेला जाएगा। अब यहाँ पर है ना, इनका हर सीजन में सिर्फ एक ही मैच होता है वुमेन्स का, हर सीजन में एक मैच, तो भाई क्या ही पता लगेगा प्लेयर्स के बारे में, और इनकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं मिलती, तो ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो मोटा मोटा हिसाब किताब है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, देखिए दोस्त, अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैचेज में है ना फाइनल मिनट्स में काफ़ी जगह स्टैट्स अवेलेबल भी हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में लिंक है। मेरी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है, तो जाके ज्वाइन कीजिएगा। और यार अब कबड्डी स्टार्ट हो रही है ना, तो वीडियो पर भाई दोबारा से एक बार धमाका कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक से भर दो, क्योंकि आप लाइक करोगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में, और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लग रहा, ना आपकी जेब से कोई कुछ पैसा जा रहा है, ना मेरी जेब में कुछ पैसा आ रहा है, बस भाईचारे वाली बात है, मोटिवेशन वाली बात है, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं आपको प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर बताने के लिए कुछ है नहीं, तो सबसे पहले भाई GGS वुमेन्स की बात कर लेते हैं, क्या स्टार्टिंग सेवन रहेगी। तो देखिए, टीम यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, तीन डिफेंडर, दो ऑलराउंडर और दो रेडर, ठीक है, एक तो टीम इसके साथ उतर सकती है, और एक जो दूसरा सिनेरियो है, चार डिफेंडर, ठीक है, दो ऑलराउंडर एक रेडर, तो इसके साथ भी टीम उतर सकती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको स्टार्टिंग सेवन समझा देता हूं। सबसे पहले भाई यहां पर जो मस्ट ऑफ पिक रहेंगी, जो खेलेंगी खेलेंगी, मस्ट ऑफ पिक तो नहीं बोलूंगा बट जो खेलेंगी ही खेलेंगी, वो प्लेयर आपके लिए मैं बता देता हूं। यहां पर जे कौनस का आपको दिख जाएंगे, मुथू मारी आपको खेलती नजर आ जाएंगे, ठीक है, ये दो प्लेयर आपको 100% खेलती नजर आएंगे। इसके अलावा डी रामासामी के खेलने के चांसेस 90% है, और इनके अलावा अगर चार डिफेंडर के साथ टीम जाएगी तो पी चिदम्बरम या फिर डी वेलुसेमी में से कोई आपको खेलती नजर आएगी, ठीक है। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां से सीता लक्ष्मी मस्ट ऑफ पिक आपके लिए रहेगी, और ये खेले भीगी, इवन सीवीसी की सबसे तगड़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। और सूर्य प्रभा की बात करें तो हो सकता है ये भी आपको खेलती नजर आ जाए, ठीक है। और यहां से अगर ये दोनों खेल जाती है तो उस कंडीशन में भाई सिर्फ एक मेन रेडर जाएगी, वो रहेगी भाई यहां से अमृता अरिवी अरिवालगन, ठीक है, अमृता अरिवालगन आपको खेलते नजर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर टीम दो मेन रेडर के साथ जाती है तो फिर यहाँ से डी रामासामी, मुथुमारी और जे कौनसाका के अलावा यहाँ से फिर भाई सीधी सीधी एन मायांडी आपको नजर आ जाएंगे टीम में, ठीक है। अब अगर बात करें सामने वाली टीम की, तो यहाँ से देखिए इनकी टीम की तरफ से एन कबीला आपको खेलती दिखेंगी, डिफेंस सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो यहाँ से भाई आपकी टीम में रहने वाली है मिलीसाई, ये आपको भाई खेलती नजर आएंगे। इसके अलावा कौन खेलेगा यहाँ पर, भाई पूजा सुरुथिका आपको खेलती नजर आ सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ से ऑलराउंडर्स में से मेरे हिसाब से दो प्लेयर तो आपको कम से कम खेलते नजर आएंगे, आर रुपया और बी गायत्री, ये आपको खेलते नजर आएंगे। बात करें अगर भाई इनकी टीम से रेडिंग सेक्शन की, तो जी भूमिका, लास्ट जो सीजन मैच हुआ था ना उसमें जी भूमिका ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे रेडिंग में, प्लस ये है रेडिंग सेक्शन में, प्लस डिफेंस में भी इसने काफी अच्छे पॉइंट, दो या तीन टैकल इसने निकाले थे उस मैच में, जो एग्जैक्टली मेरे को याद आ रहा है। और यहां पर है ना जी भूमिका सीवीसी की तगड़ी दावेदार रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जी महालक्ष्मी की बात करें, इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, हो सकता है भाई यहां पर मुथु पांडेश्वरी आपको खेलती नजर आ जाए, बट चांसेस थोड़े से लो है इनके, बट अगर ये खेलती है तो इनके बारे में मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए अगर टीम की बात करें तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूं। यहां पर भाई मुथु मारी मेरी टीम में रहेंगे, एंड कबीला को मैं टीम में रख रहा हूं, और यहां से भाई अगर आप देखो तो डी रामा सामी को मैं टीम में रखूंगा, ठीक है। यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एस लक्ष्मी मेरी टीम में रहेंगी, सीता लक्ष्मी, और यहां से भाई बी गायत्री को मैं टीम में रखूंगा। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की, तो जी भूमिका मेरी टीम में रहेंगी, इसके अलावा भाई यहां पर अमृता अरविलागन मेरी टीम में रहने वाली है, ठीक है। तो टीम का प्रिव्यू कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। सीवीसी की बात करते हैं तो देखिए कैप्टनसी जो है ना वो यहां से मेरी जाएगी जी भूमिका के साथ, और वीसी में दे रहा हूं सीता लक्ष्मी को, बाकी अगर आप चाहो तो सीवीसी को रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है।
बट अभी के लिए मैं जी भूमिका को कैप्टन दे रहा हूँ और सीता लक्ष्मी को वीसी दे रहा हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सी वीसी रहेंगी वो बी गायत्री रहेगी, डी रामास्वामी रहेंगी, मुथुमारी रहेंगी। तीन और अच्छी प्लेयर्स है जिनको आप सी वीसी ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में या फिर जीएल मिनी जीएल में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो मैंने आपको टीम बना के दिखाई है ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अगर स्टार्टिंग सेवन में कोई चेंजमेंट होता है या हमारी इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलती नजर आती है तो उसकी अपडेट, या कोई और इनसे अच्छी प्लेयर खेलती नजर आती है तो उसकी अपडेट आपको कहां मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।